मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की एक बहुत ही कायराना हरकत है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे जांबाज सैनिकों का सामने से मुकाबला कर सके, इसलिए हमेशा वो पीठ पीछे वार करता है। दो दिन पहले पुंछ के जो राष्ट्रीय मार्ग है, राजमार्ग जो जम्मू, वहाँ पे सेना के वाहन पर एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें हमारे 5 जवान जो है शहादत का जाम पी गए, जिनमें हमारे 4 पंजाब के थे, जिनमें लुधियाना जिला के हवलदार मनदीप सिंह, मोगा के लास नायक कुलवंत सिंह, जिला गुरदासपुर के हमारे सिपाही हरकिशन सिंह और बठिंडा के गुरसेवक सिंह, इन अमर वीरों ने अपना बलिदान दे दिया। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की एक बहुत ही कायराना हरकत है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे जांबाज सैनिकों का सामने से मुकाबला कर सके, इसलिए हमेशा वो पीठ पीछे वार करता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ पाकिस्तान को कि अगर उसने आतंक को शह देना बंद नहीं किया तो भारतीय सेना एक दिन जो है उसका नाम जो है विश्व के नक्शे से मिटा देगी। आज गांव में गमगीन माहौल है। तिरंगे में लिपटी पार्थिव देह जो सिपाही हरकिशन की जहाँ पे पहुँची है, और 1.5 साल की बच्ची है, पिता है, माता है, पत्नी है। सो मैं समझता हूँ दुखों का पहाड़ इस परिवार पर टूटा है, जो 2 महीने पहले ही घर में छुट्टी काट के गया और एक दिन पहले उन्हें वीडियो कॉल करता है। सो मैं समझता हूँ कि एक बहुत दुखदाई है, लेकिन मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की ओर से परिवार को ये भरोसा जताना चाहता हूँ कि हम इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़े हैं। मेरे साथ शहीदों के परिवार भी आए हैं और इन्हें हम टूटने नहीं देंगे, इनके हौसले को हमेशा बुलंद रखेंगे। और सरकार से मैं ये अपील करता हूँ कि इस आतंक का फन कुचलने के लिए कोई ऐसी ठोस नीति बनाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि आतंक का पोषक पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा अपनी नापाक हरकतों से, लेकिन इसे और एक सर्जिकल स्ट्राइक की बहुत ज़रूरत है। हरकृष्ण मेरे ताई का लड़का है, तो हरकृष्ण की लाश रात 12:30 के करीब ना इतने पहुँच गई थी कोल। सानू बहुत दुख है। अच्छा दी गल करिए तो परिवार से किवें दा माहौल है? परिवार भी देखा उस बच्चा एक छोटा जी बेटी है छोटी, तो नजर होए कि तुम लगता कि कितना का घाटा फैमिली में? बहुत घाटा होया भाई, सानू साडा वीर साडे कोल चला गया है, सारी फैमिली बहुत दुखी है, सारे परिवार को बहुत दुख हो रहा है। साडा वीर साडे कोल चला गया हर किसम से। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की एक बहुत ही कायराना हरकत है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे जांबाज सैनिकों का सामने से मुकाबला कर सके, इसलिए हमेशा वो पीठ पीछे वार करता है।